सो हेलो गाइस, आज की वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आप लोग व्हीकल सिमुलेटर 3D के अंदर ट्रैक्टर को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अंदर आप सभी लोगों को ट्रैक्टर को मॉडिफाई करना सिखाते हैं। और गाइस, ये गेम बिल्कुल फ्री है, प्ले स्टोर के ऊपर है और इसका साइज सिर्फ 80 MB है और कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। और चलिए बिना किसी देरी के अंदर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों को सबसे पहले ऑप्शन के बटन पर क्लिक करना है और कोई सा भी ट्रैक्टर को चूज़ कर लेना है। जैसे मैंने न्यू हॉलैंड चूज़ किया है और आपको कस्टमाइज के बटन पर फिर क्लिक करना है और फिर व्हील्स के अंदर जाना है। और यहाँ से आप लोग जो बटन जो नीचे वाली लाइन है इसके साथ आप लोग टायर चेंज कर सकते हैं। और जो फ्रंट कैमरा व्यू है इसके ऊपर क्लिक कर आप लोग जो है इसका जो टायर है वो चौड़े कर सकते हैं, बाहर की ओर निकाल सकते हैं। जैसे देख सकते हैं जो मैंने कर दिया है, जितना चाहिए उतना आप लोग कर सकते हैं। और फिर मॉडिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन के अंदर जाना है और इधर स्टंट मोड, बम्पर वगैरह, डीजे वगैरह, रोड वगैरह तो और ट्रॉली आप सब लोग लगा सकते हैं। ट्रॉली भी लगा सकते हैं, बड़ी ट्रॉली, छोटी ट्रॉली। और देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा ट्रैक्टर जो बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन हो चुका है। देखिए कितना बवाल लग रहा, पूरा एक नंबर। तो गाइस अभी चला कर दिखाता हूँ आपको, देखिए कितना अच्छा। देखिए स्टंट मोड को ऑन किया है मैंने, स्टंट मोड कितना अच्छा वर्क कर रहा है और बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव लुक दे रहा है इस ट्रैक्टर को, ये टायर जो हमने लगाए हैं। सो गाइस, आप भी इस गेम को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और आनंद लें ट्रैक्टर चलाने का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।